माफ करना, वो मेरा लाइट जाने की वजह से ये बंद हो गया था। मैंने रोटी बना ली है, हमें सिर्फ रोटी ही देखना था, तो वो मैं रोटी अब आपको दिखा देती हूँ। तो फिर आपको विदर्भ का पूरा खाना मैंने आपको बताया है, तो चलिए फिर हम रोटी देख लेते हैं। ये रोटी मैंने अच्छे से बेल कर तैयार कर ली है, अब इसको उठाकर मैं तवे पर डाल रही हूँ। अब इस रोटी को हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। और अब इसको पानी लगाकर अच्छे से पकने देंगे। ये रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें कि इसमें उड़द की दाल होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चिकास आती है। तो अभी हम इस रोटी को अच्छे से पकने देंगे, बाद में हम इसको उल्टा करेंगे, पलटा लेंगे, उल्टा करेंगे मतलब पलटा लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो दाल भाजी बनाई उसमें मैंने टमाटर नहीं डाला है, अभी जो नया नया बनाते हैं उसमें बहुत से लोग टमाटर यूज करते हैं, लेकिन पुरानी ओरिजिनल रेसिपी जो है उसमें टमाटर नहीं डाला जाता है। पकने की है अभी थोड़ी। जैसे ये रोटी पक जाएगी मैं आपको निकाल कर दिखा दूंगी। इसे हाई गैस पर ही पकाना चाहिए, और मट्टी के तवे में इस रोटी को सेका जाता है। अब हमारे पास तो मट्टी का तवा नहीं है, जो तवा हमारे पास है हम उसी में आपको रोटी दिखा रहे हैं। सेकने की है अभी, और इसको थोड़ा सेकने देते। फूलेगी नहीं, उठाते समय थोड़ा उसमें क्रैक चला गया था तो फूलेगी नहीं, नहीं तो रोटी अच्छी फूलती भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी रोटी सिक गई है, अच्छे से पक गई है, तो अब मैंने गैस बंद कर दिया है। और ये देखिए, ये हमारी गर्मा गर्म रोटी। अब हमारी गर्मा गर्म रोटी और ये पालक की दाल भाजी जिसके ऊपर मैंने लाल मिर्ची का तड़का लगाया है, और ये जवस की चटनी। ये जवस की चटनी इसके साथ खाने को दी जाती है। अगर दिन का समय में आपने ये खाना बनाया तो दिन के समय में प्याज और ये सब बाकी सब चीज़ें दी जाती है, लेकिन अभी मैंने रात का खाना बनाया है तो मैंने इसमें प्याज नहीं रखा है। इसके साथ सूखी चटनी रहती है,
और ये हमारी पालक की दाल भाजी पर जब परोसते हैं तो ऊपर से लाल मिर्ची का, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, उसका तड़का देकर बनाई जाती है। तो अब ये देखिए, ये रोटी जो पहले मैंने बना के रखी थी ये इतनी नरम हो जाती है, ये देखिए इतनी नरम और बहुत स्वादिष्ट। आप इसको बनाकर रख दें, और ये दाल भाजी और ये जवस की चटनी। तो हमारा आज का मेनू बन गया। आपको ये मेनू कैसा लगा ये मुझे आप जरूर जरूर बताइए। लाइट जाने के वजह से यहाँ तकलीफ होती है, तो फिर मैं आपको एकदम एक जैसे पार्ट नहीं बता सकती, और मुझे वो दो पार्ट ज्वाइंट करना नहीं आता है, सॉरी उसके लिए। तो आप ये पार्ट टू भी देख लेना। धन्यवाद आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिएगा, और मेरा हमेशा का फंडा बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छी अच्छी कॉमेंट्स जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।